हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनके जरिए आप जान सकते हो कि वो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनसे लड़कियों को सख्त नफरत होती है। तो अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो उसको तुरंत बदल डालिए अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपको पसंद करे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, है जो बैलेंस में हो तो ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस ओवर हो जाए तो भी वो ख़राब करता है और वो लो हो जाए तो भी ख़राब करता है। लड़कों की एक सबसे बड़ी जो बुराई होती है वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस की, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो लोग अपनी इमेज दूसरों के सामने ख़राब कर लेते हैं। लड़कों को ऐसा फील होता है कि अगर वो लड़की के आगे ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कोई चीज़ करेंगे या फिर बोलेंगे तो लड़की को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। बट ये आपकी गलत फहमी है, केवल 2 या 3% ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस लड़कों से अट्रैक्ट होती है, और बाकी जो 98-97% लड़कियां हैं उनको हमेशा ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कॉन्फिडेंस को अपने को बैलेंस करके चले। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसे दिखाई दे रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये चीज़ बोल रहे हो, तो तुरंत आप अपने इस नेचर को बदल दीजिए। दूसरी तरफ अगर ओवर कॉन्फिडेंस के अपोजिट आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है तो ऐसे लड़के भी लड़कियों को कभी पसंद नहीं आते। मैं ये नहीं कह रही कि जिनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है उनसे लड़कियां हेट करती है, एक्चुअल में जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं उनसे लड़कियां हेट कर सकती हैं, बट लो कॉन्फिडेंस वाले लड़कों से लड़कियां हेट नहीं करती, बट उनको वो लड़के पसंद नहीं आते। और ऐसे लड़कों को भी लड़कियां कभी अपना जीवन साथी बनाना पसंद नहीं करती। तो अगर आपके अंदर भी लो कॉन्फिडेंस है तो आप वो टेक्निक ट्राई करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए या बूस्ट हो जाए। थोड़ी ऐसी प्रैक्टिस करिए, मिरर में खड़े होकर अपने आप से बातें करिए। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर आपसे बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये आप सब ट्राई करके अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस कर सकते हैं और उस लड़की की नज़र में पसंदीदा बन सकते हैं जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लड़कों की आदत होती है कि जब भी कोई लड़की उनसे बात करती है तो वो उस लड़की के फेस पे ना देख के थोड़ा नीचे देखने लग जाते हैं, जिनका उन लड़कों को खुद ही नहीं पता चलता। बट कुछ लड़के जानबूझ के भी ऐसा करते हैं। तो पहली बात बता देती हूँ, जो लड़के जानबूझ के लड़कियों को फेस से नीचे देखते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। बट अगर आपको नहीं पता और आप अनजाने में उस जगह पर देखते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी इस आदत को ठीक करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, कई लोगों में क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ देख रहे कहाँ नहीं। बट अब आगे से आप इस चीज़ को नोटिस करिए और इस चीज़ को चेंज करिए अगर आप ये कर रहे हैं, कि अब जब भी किसी लड़की से बात करें या तो आप उसके फेस पे देखें, उसकी आँखों में देखें। बट अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप इधर उधर कहीं देख के बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी लड़की ने गलती से भी ये चीज़ कैच कर ली, जो कि बहुत जल्दी कोई भी लड़की कैच कर लेती है, कि अगर आप उसको गर्दन से नीचे कहीं देख रहे हो तो ये बहुत गलत साइन जाएगा आपके लिए और बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो कभी भी ये चीज़ आप ना करें, और अगर गलती से कर रहे हैं तो इसको तुरंत ही चेंज करिए। ऐसे लड़के जिनको पता है कि सामने वाली लड़की उनको जानबूझ के इग्नोर कर रही है, उसके बाद भी वो लड़के उनसे बात करे जा रहे हैं, उनको चेप हुए जा रहे हैं, तो ये लड़के उन लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर आपको ये लगता है कि आप उसके पीछे पड़ के उसको मना लेंगे, ये तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप उसके मन में और ज़्यादा नेगेटिविटी भर रहे हैं अपने लिए। एक्चुअल में अगर कोई लड़की सही में आपसे आपको पसंद नहीं करती और उसने आपको क्लियर इशारा दे दिया है, देखिए अगर वो लड़की ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और फिर भी आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरी बात ये, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है और फिर भी वो आपको पसंद नहीं करती, उसने डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। और दूसरा देखिए कि आप ऐसी क्या हरकत कर रहे हैं जिससे आप उसको इरिटेट कर रहे हैं। तो अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो तुरंत आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए और उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। अगर आप 1% भी पॉजिटिविटी चाहते हैं कि कभी फ्यूचर में आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो, तो आप जैसे ही उससे डिस्टेंस बना लोगे, वो चीज़ें जो आप पहले कर रहे हो वो करना बंद कर दोगे, तो अगर आप ये सब करोगे तो हो सकता है कि वो लड़की वापस आपकी तरफ आ जाए। बट अगर आप कंटिन्यू उसके पीछे रहोगे, उसको चेप रहोगे, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी। अगर आप किसी लड़की को
सही में पसंद करते हैं, तो उससे अगर आप फ्लर्ट करते हैं तो अपनी लैंग्वेज का काफ़ी ध्यान रखिए। कई बार क्या करते हैं कि लड़की इतनी चीज़ी लाइनें मतलब हद से ज़्यादा अजीब लाइनें बोल देते हैं फ्लर्ट करते वक्त, जो ज़रूरी नहीं है हर लड़की को पसंद आए। तो हमेशा जब भी आप किसी लड़की को लाइक करते हो और आप उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हो तो कोशिश करिए पहला तो कि कभी भी शुरू में फ्लर्ट ना करिए, और फ्लर्ट करते भी हैं तो एक हेल्दी फ्लर्ट होना चाहिए, ना कि कोई चीज़ी लाइन यूज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसके सामने कभी भी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट गलती से भी ना करें। अगर आप किसी और लड़की की तारीफ करेंगे उसके आगे, या सेम वही बिहेव आप किसी और लड़की से करेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपका कभी नंबर लगने वाला है वहाँ पे। तो इसलिए अपनी इस फ्लर्टिंग की आदत को तुरंत सुधारिए, और जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, और उसके साथ भी इतना ज़्यादा फ्लर्टी मत होइए, नॉर्मल अपने आप को बैलेंस रखिए। आजकल तो वैसे भी मॉडर्न ज़माना है, तो जैसे लड़के स्मोक करते हैं या कोई नशा करते हैं, तो आजकल लड़कियां भी इन चीज़ों में पीछे नहीं हैं। बट फिर भी 90-95% लड़कियां ऐसी हैं जिनको नशे करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि जो जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसको इस चीज़ से हेट है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसके सामने ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। तो मैं ये नहीं करें कि आप उसको धोखा दे के ये चीज़ बताए ना, बट शुरुआत में जब आप किसी को पसंद करवाना चाहते हैं खुद को, तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन उस पर बने तो वो अच्छा बने। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो या बात करना शुरू होती है, तो आप उसको अपने नेगेटिव पॉइंट बता सकते हो। इसके बाद ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं चाहती। तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ऐसी लड़की को जिसको नशा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कृपया करके उनके सामने वो चीज़ें ना करिए। दूसरी लड़कियों को अक्सर वो लोग पसंद आते हैं जो दूसरों के इमोशंस की फीलिंग की कदर करें। तो अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं, कुछ भी मतलब चल रहा है आपका, तो कोशिश करें कि आपकी जो बातें हो या आपका जो वहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है और लोगों के साथ, वो एक लिमिटेड और एक हेल्दी मजाक होना चाहिए। मजाक भी बहुत टाइप के होते हैं, तो कभी भी ये ना करें कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, वो भी इतने गंदे लेवल पे कि आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला बहुत ही डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी ये ना करें, ये करने से आपकी इमेज लड़की के सामने बिल्कुल ख़राब हो जाएगी।